फाइल का स्पीड कंट्रोल होगी। तो यहाँ पे ये वोल्टेज आके इस रजिस्टर से गुजरेगी यहाँ पे, और ये वेरिएबल रजिस्टर से हमारा सिलेक्शन होता है कि कितना स्पीड चाहिए, और उसके बाद ये कैपेसिटर चार्ज होती है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर को जितना ज़्यादा करेंगे तो ये कैपेसिटर हर बार चार्ज होने में, हर एक एक साइकिल में चार्ज होने में उतना ही टाइम लेगा। और जब आप इसको पूरा का पूरा लाइट पर घुमा देते हैं, मतलब ये रजिस्टर पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, उसके बाद ये कैपेसिटर बहुत तेज़ी से चार्ज होता रहता है बहुत स्पीड से। तो ऐसे ही ये काम होता है कैपेसिटर का। उसके बाद ये DB3 डायक क्या करती है, जब भी ये कैपेसिटर का चार्ज लेवल 30 वोल्ट के ऊपर है, जब भी इसका जो चार्ज 30 वोल्ट के ऊपर है, तब भी ये डायक ऑन होती है। ठीक है, ये रहा डायक की कैरेक्टरिस्टिक कार्ड, आप देख के पता कर सकते हैं कि 30 वोल्ट पे ही ये ऑन होता है, और 30 वोल्ट के नीचे जब आ जाता है वो ऑफ हो जाता है, और फिर से 30 वोल्ट आने पर ये ऑन होता है। तो ये 30 वोल्ट वोल्टेज को किसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा जाता है। ब्रेक ओवर वोल्टेज आने से ही ये एक्टिव होता है, चाहे वो वोल्टेज कोई भी डायरेक्शन में हो, डायरेक्ट डायोड के जैसा डायरेक्ट की डायरेक्शन नहीं होता है, ये कोई भी डायरेक्शन में वोल्टेज में चलेगा। बाकी पूरा का पूरा सर्किट ऐसी क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन का मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर चाहे इस साइड प्लस हो, इस साइड प्लस हो, कोई मायना नहीं रखता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तभी इस ट्रैक को ट्रिगर करेगी जब इसमें कैपेसिटर का चार्ज 30 वोल्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब आप इस रजिस्टर को पूरा का पूरा बना देते हैं, मतलब ये हमारा स्पीड जब पूरा का पूरा कम रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कैपेसिटर चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ये कैपेसिटर 30 वोल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। ठीक है, तो उसके बाद ही ये डायक ट्रिगर होती है, उसके बाद ये ट्रैक ट्रिगर होती है। तो मतलब हमारा जो एसी का वेब मिलता है वो ऐसा मिलता है। ठीक है, बहुत एसी का बहुत कम कंपोनेंट हमारा कंडक्टिव होता है। ठीक है, तो ऐसे ये हमारा एसी का पूरा कूल वेब। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये कैपेसिटर ये T1 टाइम लेता है 30 वोल्ट पे आने के लिए। ठीक है, तो आप इस रजिस्टर को ऐसे चुना है ताकि ये कैपेसिटर 30 वोल्ट पे आने पे ये T1 टाइम लेता है। ठीक है, मतलब ये T1 जो साइकिल का ये पार्ट है, ये पार्ट आपको नहीं मिलेगी आउटपुट में, मतलब ये ट्रैक इस पार्ट के लिए ऑफ रहेगी। ठीक है, उसके बाद जब भी इसमें कैपेसिटर पे 30 वोल्ट के आसपास आ गई तो ये डायरेक्ट ट्रिगर हो जाएगी, और ये ट्रैक भी ट्रिगर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा करंट शुरू होगी, मतलब हमारा जो साइकिल शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, जो फास्ट से शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना ही आपका जो करंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फिर सेम रूल है। ठीक है, तो ये हमारा इतना पार्ट हमको नहीं मिलता है, ये पार्ट हमको नहीं मिल पाता है। और दूसरा केस बता दें कि 25% का जब आप रखते हैं, तो हमारा मान लीजिए ये T1 टाइम इतना है। ठीक है, तो इसको T1 प्राइम बोलते हैं। तो ये T1 प्राइम टाइम के लिए ये डायक ऑफ रहती है और ये ट्रैक भी ऑफ रहती है। ठीक है, तो ये रजिस्टर को ऐसे चुना कि बहुत कम कर दिया स्पीड को, तो ये T1 डैश टाइम लेता है इसको ऑन होने के लिए। ठीक है, मतलब ये डायक को ऑन करने के लिए, मतलब यहाँ पे 30 वोल्ट आने के लिए। तो ये T1 टाइम के बाद ही यहाँ पे 30 वोल्ट आती है, डायक ऑन होती है और ट्रैक भी ऑन होती है। तो यहाँ पे हमारा जो करंट मिलता है वो बस इस रीजन के लिए मिलता है, बाकी का जो हमारा जो करंट है वो हमको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये इतना इसकी जो करंट है वो हमें नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमारा पंखा का स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं, वेव है वो कम्प्लीटली साइन वेव नहीं मिलता है, ऐसा पल्स जैसा मिलता है। ठीक है, जब आप 75% पे रखते हैं तो आपका पल्स की ऐसा कुछ ऐसा पल्स मिलता है आपको, जब आप 25% पे रखते हैं तो कुछ ऐसा पल्स मिलता है। बाकी आप समझ लीजिए कैसा होना चाहिए। तो ये ऐसे काम करता है, जितना मुझे पता था उतना ही मैं आपको समझाने की कोशिश की। तो अभी आप समझ गए होंगे इसकी पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसेस। ओके, तो अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, अभी आप बताएं कमेंट्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि अगला अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को